नमस्कार, मैं हूं कोमल बड़ोदेकर और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी। देश दुनिया में आज संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में जन्मे बाबा साहेब का जीवन शुरू से लेकर अंत तक संघर्षों के बीच बीता। छुआछूत के उस दौर में जहां दलितों को राशन से लेकर पीने का पानी तक फेंक कर दिया जाता था, ऐसे में एक दलित लड़का विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करता है, दलितों का मसीहा बनता है और देश का संविधान लिख लोगों को उनका मौलिक अधिकार देता है। कैसा है भीमराव से बाबा साहेब बनने तक का सफर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मोलालजी सकपाल था, जो अंग्रेजी सेना में पदस्थ थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। शुरुआती शिक्षा में सक्षम होने के बावजूद उन्हें छुआछूत के चलते अन्य के मुकाबले ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून के साथ अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। अपने तर्कों और विचारों के चलते आम्बेडकर अक्सर चर्चा का केंद्र रहे। दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा, छुआछूत के खिलाफ आम्बेडकर शुरू से ही आक्रामक रहे। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के दलितों के लिए आरक्षण की मांग की। इस दौरान जाति व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ उनके मतभेद भी रहे। वह संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे और देश के संविधान निर्माता बने। वे देश के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहेब अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों बल्कि देश भर की महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। महिलाओं को अधिकार देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए साल 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज़ादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। हिंदू धर्म की कुरीतियों से तंग आकर बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने दिल्ली स्थित आवास में अंतिम सांस ली। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ।